हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स की बेसिक कमांडों के बारे में जानेंगे। हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से एक फ़ाइल बना के रखी है टेस्टिंग के लिए। हमने फाइल बनाई है रूट पे। हम थोड़ा इसको विजिबल कर देते हैं आपके लिए, इट्स बेटर फॉर यू। एलएस कमांड आपके लिस्ट के लिए होती है कि जैसे आपकी फाइल फोल्डर जितनी भी आपकी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट है या फाइल क्रिएट है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देती है। यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट की है test.txt। यदि आप इसका मेटर आप चेक करना चाहते हैं तो हमारी कमांड होती है कैट और अपनी फाइल का नाम, जिस फाइल के अंदर आप मेटर चेक करना चाहते हो। जस्ट वन मिनट, कैट और हमारी फाइल का नाम है test.txt और एंटर प्रेस कीजिए। और हमारी फाइल में ये कुछ हमने मेटा डाला है इतना। हमारे यहाँ पे मान लो आपकी फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा मेटर है और आप पहली 4 लाइन या पहली 10 लाइन या पहली 20 लाइनें आप इस फाइल में देखना चाहते हो, उसकी हमारी जो कमांड है वो है हेड। फर्स्ट लाइन दिखाएगा हेड और अपनी फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम है test.txt और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट यदि आप हेड कमांड का इस्तेमाल करते हो तो ये इस फाइल की जो पहली 10 लाइनें होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। यदि आप नंबर ऑफ लाइन में थोड़ा चेंज करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट तो आपको 10 दिखाएगा। यदि आप चाहते हो कि पहली 3 लाइनें दिखाएं तो यहाँ पर हम -n और यहाँ पर कितनी फाइल आप डिस्प्ले कराना चाहते हो 3 और एंटर प्रेस कीजिए, आपको पहली 3 लाइनें आपको दिखा देगा। आप यहाँ पे 13, पहली 13 लाइनें आप देखना चाहते हो तो आपको पहली 13 लाइनें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी आपकी। हेड तो आपका स्टार्टिंग से आप जितनी भी किसी भी फाइल की जो स्टार्टिंग लाइनें होती है वहाँ से आपको डिस्प्ले कराता है। यदि आप नीचे से कोई फाइल को देखना चाहते हो उसके लिए भी हमारी कमांड है जिसे हम बोलते हैं टेल और अपनी फाइल का नाम text.txt और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए, इसने आपको 10 लाइन तो दिखाई लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से इसने 10 लाइनें यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा दी। सेम पैटर्न इसका है यदि आप नीचे से 12 लाइनें आप देखना चाहते हो तो -n (12) तो आपको नीचे से 12 लाइनें आपको दिखा देगा। इसके बाद हमारी एक्सपेंड कमांड के बारे में हम देखेंगे। यदि मान लो मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने इसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, एंटर प्रेस कीजिए। इंसर्ट मोड में जाइए। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप VI एडिटर के अंदर राइट कर पाओगे। यदि मैं यहाँ पे टैब का यूज़ करता हूँ, जैसे 1 है, 1 के बाद मैंने टैब का इस्तेमाल किया और यहाँ पर डाल दिया मैंने नेम, फिर टैब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे डाल दिया मैंने मोबाइल नंबर, इसके बाद एड्रेस। हम बहुत बार हम टैब का इस्तेमाल करते हैं सेम इसी कंडीशन में, तो यदि मैंने किसी फाइल के अंदर टैब को यूज़ किया हुआ है और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, दोबारा एडिटिंग करने के लिए मैं vi.txt.test.txt में जाता हूँ, इंसर्ट मोड में गया और मान लो आपके इन दोनों के बीच में टैब का स्पेस है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं इन दोनों के बीच में कोई मैटर लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपका टैब है। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट लिखे ऐसे जा रहा है, फिर डायरेक्टली जंप हो रहा है आपके नेम पर, तो आप यहाँ पर मैटर टाइप नहीं कर सकते। अब मुझे इस टैब के फीचर्स को यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए हम इस फाइल में एक कमांड चलाएंगे यहाँ पे, जिसे बोलते हैं हम एक्सपेंड स्पेस और अपनी फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम क्या है? test.txt, ये सिंबल, और एक नई फाइल का आप नाम दे सकते हो test2.txt। जो ये नई फाइल क्रिएट होगी इस फाइल के अंदर आपका टैब नहीं होगा,
एंटर प्रेस कीजिए। हम चेक कर लेते हैं टेस्ट डॉट टू को और एंटर प्रेस कीजिए। इंसर्ट मोड में जाइए और देखिए यहाँ से अब आप कोई भी मैटर यहाँ पे आप डाल सकते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो इस तरीके से। एक्सपेंड कमांड आपकी टैब को रिमूव करती है, तो कभी भी आपको ऐसे टैब को उस स्पेस को आपको यूज़ करना पड़े तो आप एक्सपेंड कमांड का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारी डब्ल्यू सी कमांड होती है वर्ड काउंट। हम इस फाइल के अंदर देखना चाहते हैं कितने हमारे वर्ड हैं, तो हम पहली फाइल को ही ले लेते हैं डब्ल्यू सी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए इसने यहाँ पर दिखा भी दिया आपको कि टेस्ट डॉट टेक्स्टी के अंदर इतने वर्ड हैं, इतनी लाइनें हैं और इतने आपके करेक्टर हैं। यदि आप देखो यहाँ पे तो आपको तीनों चीज़ इसने विजिबल करके दिखा दी। यदि आप इंडिविजुअली देखना चाहते हो तो डब्ल्यू सी वर्ड काउंट करो हाइफन डब्ल्यू, किसके लिए होता है वर्ड के, जितने भी इस फाइल के जितने वर्ड होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। एंटर, इसके अंदर 25 वर्ड है आपके। और यदि आप लाइन देखना चाहते हो कि लाइन कितनी है, एंटर प्रेस कीजिए, 20 लाइन है आपकी। और करेक्टर, यदि आप करेक्टर देखना चाहते हो कितने करेक्टर का यहाँ पे यूज किया वो आप यहाँ पे ऐसे एंटर प्रेस कर सकते हो। तो 148 करेक्टर है आपके टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर। हमारे एक छोटी सी कमांड और होती है बीसी, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से बेसिक कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ किया जाता है। जैसे आपका कैलकुलेटर होता है, यदि मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है तो हम यहाँ पे बेसिक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे मान लो मैं 10+45+68+-something और एंटर प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एज ए कैलकुलेटर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल, इसे बाहर निकलने के लिए हम कंट्रोल डी का यूज़ करेंगे। एक कमांड और है हमारी छोटी सी रिजेक्ट माइनस टी, जो आपका सी डी रोम है उसकी आपको ट्रे आपको इजेक्ट करनी है, तो हमारी कमांड है इजेक्ट स्पेस माइनस टी और आपकी ट्रे इजेक्ट हो जाएगी। वरना आप मैन्युअली आपके डीवी जो आपका डीवी राइटर है उसका इजेक्ट बटन होता है, उस बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप बटन को यूज़ नहीं करना चाहते तो आपको जस्ट एक कमांड आप चला के उसको इजेक्ट कर सकते हो। सेकंड कमांड हमारे डीएफ। डीएफ कमांड होती है आपके जितने भी आपके पार्टीशन हैं उनका साइज चेक करने लिए, कितना पार्टीशन की टोटल कितना साइज है, कितना यूज़ हो चुका है, कितना फ्री है, ये सब कुछ देखने के लिए हम डीएफ कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और एंटर प्रेस कीजिए तो आपके जितने भी पार्टीशन होंगे वो सारा आपका कितना यूज़ है, अवेलेबल कितना है, परसेंटेज में यहाँ पर माउंटेड कहाँ है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा देगा। आप यहाँ पर डीएफ एच, यहाँ पे आपको एम बी में आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एम बी और जी बी में आपको यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। इसके बाद हमारी एक कमांड और होती है इसी काम के लिए डी यू। डी यू कमांड आप एक किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर का साइज देखने के लिए यूज़ की जाती है। अब जैसे हमने एक फाइल बनाई है टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, यदि मैं इस फाइल का साइज देखना चाहता तो मैं यहाँ पर लगाऊँगा डी यू और टी और अपनी फाइल का नाम, तो इसने यहाँ पे दिखा दिया आपकी साइज, इस फाइल का जो साइज था वो इतना है। यदि आप इस फाइल को पर्टिकुलर कोई हमारा फोल्डर है, मान लो यहाँ पे देख लेते कोई फोल्डर होगा हमारा यहाँ पे, और हमारा यहाँ एक किसी भी फोल्डर को, मान लो इस फोल्डर को ले लेते, मैं इस फोल्डर का साइज देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे डी यू और वर, जब मैं डी यू करके इस फोल्डर का जब साइज देखेंगे तो जितनी भी इसके फाइल और जितने भी फोल्डर हो सब के इंडिविजुअली आपको सबका साइज दिखाएगा। देखिए यहाँ पे साइड में देखो ये सब के साइज दिखा रहा है, कौन कौन सी फाइल क्या क्या साइज यूज कर रही है वो आपको दिखा देगा।
अब मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, माइनस एच स्पेस और एंटर। और यदि बस खाली आप ये देते हो तो ऐसे, और हम यहाँ पे एस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप खाली वर्क का टोटल साइज यानी कि उसके अंदर जो फाइल है वो साइज नहीं देखना चाहते, टोटल इसका साइज देखना चाहते हो, तो डी यू माइनस एस और वर, तो जितना भी इसका साइज होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। फ्री कमांड है हमारी मेमोरी को चेक करने के लिए, माइनस एम तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराएगी आपकी स्पेस को एम पी के अंदर। देखो यहाँ पे जितना भी दिखा रहा है सारा एम बी के अंदर है, यूज इतना है फ्री है, ये एम बी में आपको विजिबल हो रहा है। और यदि आप यहाँ पे के बी में देखना चाहते हो, आप यहाँ पे के बी में दिखा देगा। यदि आप यहाँ पे जी बी में देखना चाहते हो तो आपको जी बी में दिखा देगा। आप जब कई चीजें ऐसी भी होती है, जैसे हम किसी पार्टीशन को हम माउंट करते हैं तो हम टेम्परेली भी माउंट करते हैं और परमानेंट भी माउंटिंग करते हैं। टेम्परेली मींस क्या है कि यदि मैंने किसी पार्टीशन पे काम करना है तो मैंने उसको माउंट करा दिया किसी भी लोकेशन पे, अब मैं उस पर वर्क भी कर रहा हूँ, और यदि मैंने सिस्टम को बंद कर दिया, रिस्टार्ट कर दिया, तो वो मेरा जो जहाँ पर मैंने उस पार्टीशन को माउंट किया था वो ऑटोमेटिकली यू माउंट हो जाता है। तो आपके जितने भी आप यहाँ पे ये चेक करना चाहते हो, जितने भी आपके टेम्परेली माउंटिंग आपके सिस्टम में चल रही है वो कहाँ कहाँ है, तो उसको देखने के लिए हमारी एक फाइल होती है जहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैट, कैट आपके डिस्प्ले कराती है, ETC के अंदर हमारी एम टैब के नाम से एक फाइल है जो आपके टेम्परेली फाइल सिस्टम को वहाँ पर माउंट पॉइंट को आपको दिखा देगी कि आपके जितने भी आपके टेम्परेली माउंट पॉइंट हैं वो वहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ दिखा देगी। आप यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कोई एक पार्टीशन लीजिए और पार्टीशन को कहीं पे टेम्परेली माउंट कर दीजिए और फिर आप इस फाइल को चेक कीजिए तो आपको यहाँ पे उसका पार्टीशन दिखा देगा कि आपका कहाँ पे माउंट पॉइंट है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।